दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान बखेरा खड़ा होते दिख रहा है। मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के फील्डर्स ने गेंद को जूते के स्पाइक से खराब करने का वीडियो सामने आया है। वहीं मैच के दौरान टीवी पर यह वीडियो दिखाया गया, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि गेंद की सतह से छेड़छाड़ करने वाला खिलाड़ी कौन थे, क्योंकि वीडियो में केवल उनके जूते ही दिख रहे हैं। हालांकि इसमें दिखाई दिया कि पीले सोल वाले एक खिलाड़ी ने जूते के नीचे गेंद को दबाया। दरअसल गेंद से स्विंग हासिल करने के लिए उससे छेड़छाड़ की जाती है। वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने हालांकि जानकारी दी कि वीडियो में मार्क वुड और रॉरी बनर्स हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वे लॉर्ड्स टेस्ट में कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने गेंद को जूते के नीचे दबाने की घटना का बचाव भी किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मार्क वुड गेंद को रॉरी बनर्स के पैरों के नीचे से निकालना चाहते थे, लेकिन चूक गए। यह सब एक्सीडेंटली हुआ। उन्होंने साथ ही कहा कि घटना का स्क्रीनशॉट लेने के बजाय पूरा वीडियो देखा जाए। वहीं सोनी स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे हर्ष भोगले ने कहा कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो मैच रेफरी और अंपायर गेंद की जांच करते हैं और उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर गेंद को बदल भी दिया जाता है। लेकिन ब्रॉड ने ट्वीट कर इसके बारे में भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा गेंद के खराब होने पर ही किया जाता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसा छक्का लगने पर गेंद दर्शकों में जाता है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों है। मगर यहाँ यह बात जानना भी जरूरी है कि अंपायर्स ने गेंद को जूते से दबाने को लेकर इंग्लिश प्लेयर्स को किसी तरह की चेतावनी भी नहीं दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।